हूँ, ये एंड ऑफ क्वार्टर खैर है। अच्छा अब मैं ये इतनी चीजें समझ आ गई है, तो मैं सिर्फ सैंपल के लिए रख रहा था, मैं डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव कॉलम्स। यहां से सर, मैं सर जी एक क्वेश्चन छोटा जी जी पूछे सर, पूछे पूछे कोई, मैं सा। क्यों नहीं। वो क्वेश्चन ये है कि हमारे जो हम ये इस पावर की वजह से एक हमारा डेटा रन कर रहे थे, हमारे पास ना एजिंग निकाल लेते हैं हम, जो आउटस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन है ना, तो उनकी यस फॉर एग्जांपल एंड ऑफ मंथ से, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा अभी करंट मंथ चल रहा है अगस्त, अगर मैं यस अगस्त की एंड से देखूं तो मुझे ये डेट फिक्स रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि यार मेरी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन कितने डेज पे पेंडिंग है, ठीक है, जो जो उसकी एजिंग है ना, ये 30 डेज में आ रही है, 90 डेज में आ रही अब दोबारा है, बताएं जिसको सवाल, सवाल नहीं समझा मैं। सर जी वो बैंकिंग टर्म में DPD, डेज पास ड्यू, लेकिन मंथ यस मंथ एंड पे मुझे चाहिए। यस उसकी फिर स्टार्टिंग डेट होगी ना कोई कि स्टार्टिंग डेट तो है ना, लेकिन मुझे एक इस मंथ के एंड से उसका कैलकुलेट करके देना, फॉर एग्जांपल 31 अगस्त ठीक पे मुझे कैलकुलेट करके है, देना। डन हो गया सर, डन हो गया। अभी इस पे इंसर्ट कॉलम करते हैं, आपने करते हैं एंड ऑफ मंथ चाहिए पहले, तो ठीक है आपने एंड ऑफ मंथ पे कैलकुलेट करना है ना, ये महीने का एंड है ये एंड ऑफ उसकी। करंट मंथ? नहीं, देखिए वो एंड ऑफ मंथ तो वो उस रेलेवेंट ईयर का लेके आ रहे ना। देखिए फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वेशन मैंने बुक की 2021 में, लेकिन आज मैं उसकी एजिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ सर 2022 वो में नंबर अगस्त ऑफ में। डेज, नंबर ऑफ डेज निकालना चाह रहे हैं शायद सर। नहीं, ठीक हो गया इसका आज ठीक। आज 19/11/1995 को कितने नंबर ऑफ डेज हो गए? ये सर ये देखना चाह रहे हैं जी नेट जी वर्किंग लेकिन बेस का फॉर्मूला। सुने सुने, मुझे जी मुझे सिस्टम डेट नहीं चाहिए ना, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे सिस्टम डेट नहीं चाहिए, मुझे अपने डेट से उसको कैलकुलेट करना है। नहीं, फर्ज करें ये ओके कॉलम आपकी डेट है, ये आपकी कॉलम डेट है। नहीं नहीं सर, जी जी वो जी कह रहे हैं ये 19/11/95 है ना, तो वो कह हाँ रहे हैं कि मैं इधर एक डेट दूं, एक कॉलम में फर्ज करें हम 2000 दे देते हैं, नवंबर हाँ 2000, हाँ तो उस नवंबर 2000 तक कितने नंबर ऑफ डेज होंगे? शायद सब इसी तरह ही है। हाँ, जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे वो करंट डेट नहीं लेना चाह रहे, वो कह रहे हैं डेट ठीक मैं है एंडिंग ठीक डेट है। मैं मैं दूं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर ना, एग्जाम्पल ये एक डेट है, हम इसमें जाते हैं ऐड कॉलम में, एक कॉलम में ऐड करता हूँ, ऐड ऐड करता हूँ, ऐड कॉलम कॉलम, मुझे डेट फोन में। पे आएगा? हाँ जी मैं एक एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए, डेटे की एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूँ। मैम होम में आएगा, होम टैब में आएगा। जस्ट जस्ट जिसमें सर आपने पे एक कंडीशनल आपको याद है फॉर्मेटिंग की थी, क्या इज इक्वल टू सैटरडे, हमने सुबह ना वो लड़ा लड़ा के दिमाग में सारा दिन उस पे लगे रहे, वो निकला नहीं, नहीं आपको नहीं याद है अभी ना जब अभी मैं आपने? आप जो कह रहे हैं ना, मैं उसके लिए कंडीशन डिजाइन करना चाह रहा हूँ कि जी 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 वही वही सर, दो जी डेट्स जी जी बन जाएं, तो मैं एक हाँ एक जी एक करना चाह रहा हूँ कि एक और डेट बन जाए। मैं ये करना चाह रहा हूँ ऐड कॉलम, मैं उसे कहता हूँ सर, ये एज से नहीं निकलेगी? एज से, ठीक है मैं एज बना देता हूँ, मैं कुछ और बनाने लगा था, एज बना देते हैं। ये जो आप कह रहे थे ना, क्या नाम है शाह साहब, ये उसने आज की डेट से इसके डीपीडीज निकाल दिए, इस जी डेट जी से सर, हाँ जी ये डीपीडी निकल आए, ठीक बिल्कुल सही सर। है। डीपीडी स्टैंड्स फॉर डेज पास ड्यूज मतलब बैंकिंग में होता है ना कि उसकी एक सिस्टम में डेट डिलीवर्स करें, ये लोन डिसबर्समेंट डेट है या उसकी ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है शाह साहब, जी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। आज की डेट तक उसके कितने डेज पास आउट हो गए, ये सर हमने सबसे पहले, एग्जैक्ट। जी ये जी हमने जी सबसे पहले बनाया था जिसको फिर हमने। ये देखें सर, ये तो वो है ना, या उसने सिस्टम क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ एनी मंथ, फॉर एग्जांपल मंथ एंड कंप्लीट हो गया तो उस दिन तो मुझे सही दे देगा, लेकिन अगर 5 तारीख को मैं रन करना चाहता हूँ मतलब तो एंड ऑफ मंथ वाला, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपकी उसकी ड्यू डेट तो फिक्स होगी ना सर। ड्यू नहीं डेट फिक्स है मुदस्सर, बिल्कुल। मुदस्सर भाई फर्ज करें कि आज ये कौन सा महीना, सितंबर है ना, तो हाँ जी 1 अक्टूबर को निकालेंगे तो वो कहेगा 30 डेज DPD है, हाँ जी अब 5 तारीख को जाएंगे तो वो 35 कर देगा, हालांकि उसकी ड्यू डेट 10 तारीख है, तो वो कह रहे हैं कि 5 तारीख को भी ये 30 DPD ही नजर आना चाहिए।
वो थर्टी दिसंबर को लॉक कर दे। नहीं, वो तो फिर उसकी ड्यू डेट की कंडीशंस डालनी पड़ेगी ना, कि अगर अब कंडीशन क्या डलेगी कि इफ पेड, अगर वो पे कर चुका है तो 5 दिन, नहीं कर चुका तो 35 दिन, ऐसे हाँ चलेगी ना कंडीशन फिर। लेकिन हाँ वो कंडीशन डिफाइन करने के लिए हमें काफी बैकेंड डाटा मॉडल बनाना पड़ेगा। वो शाह साहब हम आपस में कर लेंगे, मैं आपको ठीक है, सिखाऊं। ठीक ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ठीक हो मेरा गया, थैंक यू, पॉइंट आप समझ गए? कंटिन्यू करें, ये मेरा पॉइंट समझ गए, मैं वन टू वन कर लेंगे, वन टू वन कर लेंगे, नहीं, थैंक यू मेरा सर। कहने का मतलब ये था कि अगर हम उसको लेते भी है ना, जिस तरह काशिफ साहब ने कहा है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला तो ये है कि उसकी ड्यू डेट, या तो फिर होगा क्या, उसकी ड्यू डेट होगी, उसकी पेड डेट होगी। कंडीशन लगेगी कि अगर तो उसकी ड्यू डेट पेड डेट से छोटी है तो वो करंट मंथ से निकाल दे, अगर उसकी ड्यू डेट जो है पेड डेट आ ही नहीं रही तो उसके टोटल कैलकुलेशन करे, तो एक नेस्टेड इफ फार्मूला बनेगा, वो कंडीशंस डिजाइन होगी, फिर वो उस हिसाब से चलेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि अगर वो पे, देखें, अगर उसकी पे हो ही नहीं रही तो वो उसके टोटल डीपीटीज कैलकुलेट करेगा, अगर पे होगी तो वो एवान मंथ की कैलकुलेट करेगा, ऐसे ही है। जी जी ये हमें ना, वो जब प्रोविजन बुक करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जी आप सर, सर मैं हमारा समझ देखिए गया क्वार्टर वो। एंड हो गया, सुने क्वार्टर एंड हो गया सर जी, क्वार्टर एंड के लिए मुझे प्रोविजन बुक करने इस क्वार्टर के सीपीओ यानी सेंट्रल बैंक के हिसाब से, ठीक है सर। जी, अब फॉर एग्जाम्पल एंट्री तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ 10 तारीख को, अगर मैं उस दिन तक करूंगा तो वो जो डीपीटी ज्यादा ले लेगा वो मेरी अगली क्लासिफिकेशन ले जाएगी ना, मुझे तो क्वार्टर एंड की क्लासिफिकेशन चाहिए ना, किसी भी ये दिन मैं हाँ प्रकार जी कर। हाँ सर, जी ये जी मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखिए, फर्ज करें ये है, मैं इसकी ले लेता हूँ कि क्वार्टर का एंड दे दे मुझे, एंड ऑफ क्वार्टर डेट आ गई, ये उसकी फर्ज करें ड्यू डेट थी, या आप एंड ऑफ क्वार्टर पे बैठे। अब आपने निकालना है कि ये एंड ऑफ क्वार्टर पे ये ड्यू डेट में आपस में कितने डेज पास आउट हो गए। ठीक है, मैं करूंगा दिस, और ये दोनों डेट, ये डेट है क्वार्टर एंड की, ये है उसकी पहली, मैं क्वार्टर एंड और इसको सिलेक्ट करूंगा सर। डेट में आए, ये लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट डेज, मैं ऐसे कहूंगा मुझे डेज निकाल दे। उसने कहा जी के 19 नवंबर को, हाँ सर, इस 19 नवंबर को ड्यू डेट थी, 31 दिसंबर पे आप आके इसकी प्रोविजन बुक करना चाहते हैं, उसने कहा जी 42 डेज हो गए। जी, जब हमने एंड ऑफ क्वार्टर निकाला ना, उसने रेलिवेंट ईयर का एंड ऑफ थोड़ा क्वार्टर लंबा निकाल कहा दिया। वो आज नहीं का, नहीं हाँ मतलब सर भाई वो आज का क्वार्टर, फर्ज करें कि ये 19 नवंबर 1995, सही कह रहे हैं आप, डिसबर्समेंट डेट है, हाँ लोन जी, डिसबर्समेंट डेट है, हाँ जी, और आज है 2022, हाँ जी, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि नहीं वो सर, मुझे वो नहीं प्रोविजन बुक नहीं करना है। हाँ सर, वो फिर देखे कंडीशन होगी ना, वो 2 डे कह रहे हैं, फिर वो फिर 2 डे कह रहे हाँ हैं, मैं तो उनको एंड, हाँ वो 2 डे की डेट डाल देगी। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, आपको एक बात, इधर इधर 2 डे अच्छा डालना है चलो, उसको। इसका इसका सिंपल सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके देखें ये ना जो सर, डेट ये है ना देखें सर, उन, ये देखें 2 डे में डाल देता हूँ, सिंपल, एक मिनट ठहरे, मैं उन आपको सवाल का जवाब दे दूँ। 2 डे, ये आज की डेट आ गई, अब देखिएगा। सर एक्सेल में तो हमने किया हुआ है सर, एक्सेल में तो हमने फार्मूले लगाए हैं सारे, फिक्स नहीं हैं, नहीं हम नहीं इसको नहीं डेटा पारे पावर क्यूरी में लगाना चाह रहे थे। मैं सर पावर क्यूरी में आपको लगा दूंगा, उसमें ना लोकल का फार्मूला लगेगा, एक 2 डे की डेट का ना एक फार्मूला बनता है, वो दिखाऊंगा तो फिर। ठीक है मदसर भाई, वो आप इनको केले से आज भी ड्रैग हो गए हम हाँ जी, हाँ जी, मैं काफी। यही कहना चाह रहा था, जो है अगर जी तो वो वो एक आपको सिंगल अगर तो वो तन्वी एक आपको सिंगल याद। अगर तो वो एक सिंगल कमांड से हो सकता है, तो फिर तो हमारी भी लर्निंग हो जाएगी। नहीं, सिंगल कमांड ही है, मुझे सिर्फ उस पर लोकल का फार्मूला लगाना पड़ता है। उस्मान तुम लाइन पे हो? उस्मान इधर, जी वो सर लोकल वाला फार्मूला क्या था, कस्टम कॉलम में जाके क्या लिखते थे हम, लोकल डेट सर डॉट, टाइम डॉट लोकल था ऐसे कुछ करके। नहीं सही वाला बताओ ना पूरा, उस्मान क्या था वो, मुझे फॉर्मूला। फिर मैं एक देखता हूँ। इसमें ना एक हम फंक्शन लगाते हैं सर लोकल, वो ना 2 डे की डेट दे देता, फिर वो फिर आपकी 2 डे डेट जो आप उधर लगाते हैं इधर भी फंक्शन लग जाता है। सर डेट टाइम डॉट लोकल लाओ डेट बोलो, डेट सर, चैट में उस्मान चैट, बता। चैट में भेजा है। सर
ये वाला फार्मूला है, ये लगा देते हैं, जब इनको ना थोड़ा सा हौसला हो जाएगा। ये ले जी, क्या नाम है शाहिद साहब, ये वाला फंक्शन है। एरर क्या आ गया उस बार? अच्छा ये स्पेस आ रही ये है। ये ले जी, क्या नाम है आपका शाहिद साहब, सर इसमें मैं ले लेता हूँ सिंपल, इसको पहले डेट में कन्वर्ट लगा कर। रही हूँ। आ गया आ गया, इसको मैंने करना है ट्रांसफॉर्म डेट। ये सर 28 सितंबर 2022 आ गया, ठीक है। जी आप वैसे आप जो है इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो डेज आ जाएंगे ना बस ये में। और डे आपका, मैं कह रहा था वो एक फंक्शन लगना है सर, वो फंक्शन मैं लगाना नहीं चाह रहा था। ये ले डेज निकला इतने, वही एज जो निकली थी एग्जैक्टली वही चीज दोबारा बन गई जो शुरू में एज पे निकाल के दी थी आप, ठीक है। अभी अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ जी, ओके। अच्छा मतलब सर भाई ये तो जी फिर आज की डेट सर आपकी ही है आवाज़। जी।